मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? एक साइड पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चाय वाला मतलब जिन्हें पाकिस्तान में ना सिर्फ कहा जाता है, इंडिया में भी कहा जाता है। लेकिन उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता है चाय कैसे बनानी है, और ये भी शायद पता है कि कंट्री को कैसे चलाना है। इसी पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, कहने को तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के। बता दूं कि 950 पाकिस्तानियों को कल रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है। বন্ধুরা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাকিস্তানি দেখে শুরু করে ইসলাম পড়া গ্রহণকারী ব্যক্তিগুলো চাওয়ালা বলে, কিন্তু আফসোস এটাই যে এই চাওয়ালা ব্যক্তি লোকপ্রিয়তা এতটা বেড়ে গেছে গোটা বিশ্বে, যেখানে ভারতের ভেতরে মুসলমান থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের মুসলমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সম্মান করে। যে সমস্ত দেশ থেকে পাকিস্তান আর বাংলাদেশিদের পিছনে লাথি মেরে বের করে, তো সেখানে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামে আর ভারতীয়দের দেখলে অনেক সম্মান দেয়। বন্ধুরা, রিসেন্ট হয়েছেটা কি আসলে? বন্ধুরা, পাকিস্তানি মানে ভিখারি পাকিস্তান, যে ফার্স্ট জানুয়ারির দিনই ইউএই পাকিস্তানের পিছনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, মানে প্রায় 950 থেকে 1000 পাকিস্তানি ভিখারিকে ইউএই থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। যেটির পর এখন পাকিস্তানের জনতা বলা শুরু করেছে যে আমাদের এখন একজন চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন। কেননা একজন শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী কখনোই আমাদের জন্য কিছু করেনি, কিন্তু একজন চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী ভারতকে আজ কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে গেছে। দেখে নিন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ারা কি বলে। 950 পাকিস্তানিও কো কাল রাত কো দুবাই কে এয়ারপোর্ট সে দোবারা ভাগায়া গিয়া হ্যায় পাকিস্তান, মানে কি আব জো হ্যায় ও পাকিস্তানি দুনিয়া কে কিসি ভি দেশ মে কিসি ভি কোনে মে জায়েঙ্গে না, লাত মার কে ভাগায়েঙ্গে ইনকো। कि वो दुबई है जहां पर ये लोग बैठकर दुनिया को जो है वो बड़ा धमकियां लगाया करते थे कि ये तो हमारा सेकंड होम है। देखिए, ये तो हर किसी को बाप बना लेते हैं, ये हमारा सेकंड होम है। खुद का घर संभल नहीं पा रहा, दूसरों के घर को सेकंड होम है। तो दुबई से 950 पाकिस्तानियों को जो है वो कल रात को लात मार के भगाया गया है। चल निकल भाई। ओके, अभी दुबई ये एक बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूं आप लोगों को। ये 2024 यानी कि 2024 में दुबई को पाकिस्तानियों से साफ कर दिया जाएगा। सिर्फ उन पाकिस्तानियों को रहने दिया जाएगा जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बिजनेस है, या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो बिजनेसमैन है उनको इजाजत है वहां पर रहने की। उसके बाद जो लेबर पर्सन है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर है, कहीं पे मट्टी बजरी का काम करते हैं, कहीं पे जूते पॉलिश करते हैं, या कहीं पे बाथरूम साफ करते हैं, ये सबको भगाया जाएगा। ये नई पॉलिसी दुबई ने बनाई है। ऐसी बात नहीं है कि दुबई को जो है लेबर नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, पाकिस्तानी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन हैं, आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, बहुत बड़े बड़े फलसफे आपको मिलेंगे। पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिलीवरी जो वो लोग काम करते हैं उसमें से आधा खाना खा लेते हैं शेखों का, फिर आधा खाना उनको दे देते हैं, पिज्जा काट के थोड़ा खा के फिर चिपका के। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जी जी सर, आपने नहीं, बहुत शुक्रिया। दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को चाय वाला कहा जाता है, या ये मतलब ये है कि वो चाय वाले हैं? सर, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को चाय वाला कहते हैं। सर, जबरदस्त है। ये पाकिस्तान में तो ये मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान में तो ये बात बड़ी चलाई गई कि देखो इंडिया में चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब पहले ये बताएं कि वो चाय वाले ने खुद ये बोला कि भाई मैं खुद एक चाय वाला हूँ। उन्होंने कल परसों उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, ठीक है जी, लेकिन मुझे पता है चाय कैसे बनानी है और कंट्री को कैसे चलाना, ये भी डेफिनेटली उन्होंने साबित किया है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन वो कैसे अपने कंट्री को चला रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर हैं कैसे चला रहे हैं, फर्क क्या है? सर, बात दरअसल पता क्या है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए या जो मैट्रिक भी ना किया हो, बात असल ये है कि जो लोग आज से पहले नवाज शरीफ के साथ थे, जो जरदारी के साथ थे, जो मुशरफ के साथ थे, वो इमरान खान के साथ हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, ठीक है, बाकी जो नीचे से ऊपर तक लोग वही होते हैं। दूसरे नंबर
पे सोच नहीं चेंज होती, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वहाँ पे सोच चेंज हो चुकी है, वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है। जी 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 बिल्कुल सर, वो एक हम कहते हैं हम मुसलमान है, वो हिंदू है, लेकिन उस हिंदू ने साबित किया अपने आप को, उसने भाई इंडिया को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी, क्या स्टेटमेंट थी सर? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मर जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है आपके, मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी सर किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। लीडर अगर देखें वो ही जिन्हें हम जो चाय वाला कहते हैं, और नो डाउट उन्होंने खुद कह दिया, नहीं उसमें उसने शर्म नहीं उन्होंने महसूस की, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं डेवलपमेंट के। वो कहां पे G20 हुई, इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े जो उनसे कंट्री के US के प्रेसिडेंट की बात। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट कौन सा अमरीका का कोई भी सदर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई भी आला अहदेदार हो आपके मुल्क आया हो? नहीं कोई भी। और हर प्रेसिडेंट भाई इंडिया में गया है, क्यों गया भाई? वो बहुत बड़ी मंडी है, आपका इन्वेस्टर पाकिस्तान इन्वेस्टर नहीं पैसा लगाता कोई भी कारोबार। एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस है, जो भी लोग काम करते हैं PIA की एयरलाइंस में, तो वो लोग नौकरियां लगवाते हैं, अपनी एजेंट बैठे हुए उनकी नौकरियां लगवाते हैं, 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लेके उनकी नौकरी लगवा देते हैं। जब फ्लाइट टोरंटो या कनाडा उतर जाती है, उसके बाद ये लोग हो जाते हैं अल फिरार, दो पांव अपने और दो किराए के लेके भाग जाते हैं। नॉर्मल बंदा भागे, वो तो नॉर्मल बंदा तो पहले जा नहीं सकता। ये जो PIA के काम करने वाले जो लोग हैं, ये भाग रहे हैं कनाडा में। ऐसी बहुत सारी न्यूज आई थी, अब ये न्यूज ऐसी हो गई है कि हर रोज, ये कल की वीडियो है, ये पुरानी नहीं है, पुरानी चीजें हम नहीं दिखाते, नया माल दिखाते। ये कल जो है फिर से PIA का जो जितना भी अंदर काम करने वाले जो लोग थे वो सब भाग गए। आपने सुना होगा जो पहली न्यूज आई थी उसमें पायलट भाग गया था, उसमें एयर होस्टेस वगैरह नहीं थी, उसमें पायलट भाग गया था, यानी PIA का पायलट जो है वो कनाडा में जाके छुप गया था। अब जो है इस बार पायलट नहीं, इस बार जो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, जो अंदर एयर होस्टेस होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब भाग गए कनाडा जाके, वो अपनी जो है एयरलाइंस छोड़ के भाग चुके हैं। तो अब ये एक्शन लिया है कनाडा ने, कनाडा ने कहा कि ठीक है भाई हमें लोग चाहिए, हम पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे कि आप लोग जो है एयरलाइंस छोड़ के अपने एयरप्लेन खड़ा हुआ है वहां पर, पायलट नहीं है और पायलट भाग रहा है जाके कैंप में गुजरा, भाई मेरे को कैंप में बिठा दो, मैं नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान, क्योंकि भाई उनको वहां पर सैलरी नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिलता, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम। जिसको जहां रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहा है, जिस देश का रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहा है। और पिछले दो हफ्तों में कम अज कम दोस्तों मेरे ख्याल से 80 के 85 बंदे पंजाब के साइड से अफगानिस्तान